सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और लाइक जरूर करें। तौहीन किसने की? शैतान ने। तो जो नबी की तौहीन करे वो इंसान की औलाद में से नहीं होता। जो इंसान के इंसान से जो पैदा होगा ना, जो इंसान की औलाद होगा, आदम की औलाद होगा, वो कभी नबी का गुस्ताख नहीं होगा। जो पैदा होते वक्त तो जो शैतानी खलल आ जाता है ना, शैतान बीच में जो घुस जाता है, तो जो लोग शैतान से पैदा होते हैं वही नबी की तौहीन और बेअदबी करते हैं। ये बात खास आप ख्याल रखें, इसलिए कि जब बंदा अपनी बीवी के करीब जाता है तो शैतान भी करीब आता है। अगर उस वक्त अल्लाह किसी पर रहम ना फरमाए तो जो है वो शैतान बीच में मुदाखलत कर देता है। इसीलिए हुक्म है कि जब अपनी औरतों के करीब जाओ तो अल्लाह की पनाह मांगते जाओ शैतान से, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हुए जाओ, तो अल्लाह ताला उनसे उससे महफूज रखेगा। तो इसलिए जो नबी के बेअदब है, गुस्ताख हैं, वह इंसान के नसब से उनके नसब नहीं मिलते, शैतान से उनका